गाइस व्हाट्स अप, फ्रेश हियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। और अगर आपको पिछले वाले एपिसोड याद है तो मैंने उसमें ये वाला जो घर है वो खरीदा था कुछ $155,000 का। और उसके बाद मुझे पता चला था कि इस घर में 6 गाड़ियों के लिए गैराज है, मतलब इस एक गैराज में 6 गाड़ियाँ समा सकते हैं, लेकिन घर बाहर से छोटा लग रहा था। तो मैंने उसके बाद ये एक लैम्बोर्गिनी यूरस अपनी यहाँ पर लाकर खड़ी कर दी थी, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी बाकी गाड़ियाँ मंगवा ली, जैसे कि ये वाली जो मेरी आर्मर्ड कार है कुरुमा, वो मैंने अपने आर्किड वाले गैराज से मंगवा ली थी। और फिर ये जो फैलॉन और रेंज रोवर है वो मैंने अपने घर वाले गैराज से मंगवा ली थी। और उसके बाद आपको ये येलो वाली गाड़ी दिख रही होगी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, रास्ते पर दिख गई थी, तो मैंने इसे चुरा के मॉडिफाई करवा ली और फिर अपने गैराज में रख लिया। तो आज मैं जाऊँगा अपने आर्किड और अपना जो कसिनो हाइस्ट है उसमें हम प्रोग्रेस करेंगे। आज हम कुछ वेपन्स चुराने जाएंगे उसके लिए, तो चलते हैं सीधा आर्किड। आर्केड यहाँ से पास में ही, इसलिए मैंने ये वाला घर खरीद लिया और 6 गाड़ियाँ भी आ गई। वैसे तो मेरे पास ये गैराज था यहाँ पर आर्केड के पीछे, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, इसलिए कोई बात नहीं। तो ये रहा मेरा आर्केड, इधर गाड़ी पार्क कर देता हूँ और जल्दी से चलता हूँ आर्केड के अंदर। हो गया, तो मैं यहाँ पर आर्केड में आ चुका हूँ। तो फिलहाल तो मेरा लॉकर जाकर मैं चेक करता हूँ, क्योंकि देखते हैं आज की अर्निंग्स क्या है। मैं आता हूँ तो एक तो कस्टमर होता तो है नहीं ये जिमी के अलावा, लेकिन पैसे फिर भी आ जाते हैं, अच्छी बात है। बाहर गाड़ियाँ दिख रही थी लेकिन कोई आया नहीं यहाँ पर। ओके, तो सेफ खोल के देखते हैं। $1,000 ऑलमोस्ट, $1,000, लेकिन चलता है कोई बात नहीं। ओके, तो ये सस्ती अनाबेला को यहाँ से हटाते हैं और अपना दरवाज़ा खोलते हैं नीचे बेसमेंट में जाने के लिए, जहाँ पर हम सारी अपनी प्लानिंग करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और उसके बाद मैंने ये जो 2 गाड़ियाँ हैं वो भी चुरा ली थी अपने हाइस्ट के लिए। होटल पर हमें वैले का काम, मतलब मुझे होटल पर वैले का काम करना पड़ा था इस गाड़ियों को चुराने के लिए, कोई बात नहीं। गाइस, तो मैं वेपन्स चुराने के लिए जा रहा हूँ अभी, अनमार्क्ड वेपन्स, और इस चीज़ में मुझे टाइम लिमिट मिलेगी, इसलिए मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर टाइम लिमिट ख़त्म हो गई तो मैं भले कितना भी पास हूँ, अगर भले मैं आर्केड के बाहर भी वेपन्स लेके खड़ा हूँ, लेकिन अगर टाइम ख़त्म हो गया तो वो वेपन्स कुछ काम के नहीं रहेंगे। पता नहीं लेस्टर हमें टाइम लिमिट क्यों देता है, लेकिन कोई बात नहीं, फटाफट चलते हैं फ्रेंकी खाने का मन हो गया, कोई बात नहीं चलते हैं वहाँ पर फटाफट। ओके गाइस, तो मैं बस पहुँचने वाला हूँ, बस 0.4 माइल्स और दूर जाना है। और मुझे लेस्टर ने कहा कि वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस वाले आ चुके थे, तो पता नहीं अभी हम वहाँ पर जाएंगे तो पुलिस वाले होंगे कि नहीं, होपफुली ना हो तो ही अच्छा है, कोई बात नहीं। बस आगे से लेफ्ट लेना है, यहाँ से नहीं, आगे से। ओके, okay, तो यहाँ से लेफ्ट। ओके, तो पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हैं, तो मुझे क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। कौन सा ऑफिशियल ऑन द रडार शोज द कॉप्स लाइन, स्टे क्लियर ऑफ दिस एंड अवॉइड एंगेजिंग, पढ़ने में नहीं दिया। तो हमें वेपन्स दिखने कहाँ पर है, सर्च द एरिया फॉर वेपन्स। भले हम इनके कॉप्स के सामने हो, लेकिन वो लोग हमें तभी देख पाएंगे जब हम उनके विजन के एरिया में आएंगे। वाह, ऐसा कैसा। ओके, तो यहाँ पर एक रास्ता है, गोडाउन के अंदर का एंट्री पता नहीं, यहाँ से तो है नहीं, उसी साइड से होगा ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, तो घूम के जाता हूँ, मुझे फटाफट ये करना होगा, नहीं तो यहाँ पर तो है नहीं। ओके, तो पुलिस वाले यहीं, ओके तो यहाँ पर है। ओके, वहाँ पर इन लोगों को अरेस्ट करके रखा है, मैं जाऊँ कहाँ से, कोई बात नहीं, मैं इनको मारना ही शुरू कर देता हूँ। पहले मैं अपना आर्मर पहन लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अपना आर्मर पहन लिया है और अब मैं अपने
ये वाली गन से सबको उड़ा दूंगा। नहीं, लेकिन अगर मेरी खुद की कुरुमा उड़ गई तो रिस्क नहीं लेना। लेकिन कोई अच्छी गन, एकदम मस्त मशीन गन हो तो, इसमें वेपन्स नहीं है ये अच्छे चले तो। मैंने चला ही नहीं आज तक, पता नहीं। ओह शिट, कोई बात नहीं, पुलिस वाले को मारना ही पड़ेगा अभी तो। बॉम्ब्स फेंकता हूँ वहाँ पर। ओके, हेलीकॉप्टर भी आ गए। हेलीकॉप्टर को तो उड़ाने में मजा आती है। अरे गया, ओके तो ये मिशन मुझसे नहीं होगा ऐसा मुझे क्यों लग रहा है। ओके मैं मर गया, मेरी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ओके तो मुझे यहाँ पर, मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ फटाफट, और फिर वैसे भी हमें कुछ फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला, क्योंकि ये मैं सबको ऐसे ही उड़ा देता हूँ, मुझे आइडिया क्यों नहीं आया पहले। ओके ये एक, तू जा जा, उठ तू वापस, अब उठ के बता। ओके तो ये गया अब। ओके वेपन्स मिल गए, ये रे। अरे नहीं, यहाँ पे नहीं उतरना था। ओ शिट, अरे मेरी गाड़ी भी गई, अब तो मैं बच भी नहीं पाऊंगा। ओके तो मुझे अभी गाड़ी मेरी बुलानी पड़ेगी, लेकिन तब तक तो पहले इंश्योरेंस में फ़ोन करता हूँ, पुलिस वाले आना जाए तो अच्छा। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ओके अब मैं मैकेनिक के पास से अपनी गाड़ी भी बुलवा लेता हूँ। अरे यार मैकेनिक, तेरा नंबर कहाँ पर है? ओके यार जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। ओके जल्दी जा जल्दी आ, मुझे डर लग रहा है। मैं आर्मर पहन लेता हूँ। शिट यार, बॉडी आर्मर। ये यहाँ पर भी आ गए ये लोग। ओके तो ये एक गया, मेरी गाड़ी भी आ गई। ओके भागना पड़ेगा गाड़ी के पास, ये गाड़ी तो ब्लास्ट हो गई इसके वजह से। ओ वो रही, दिख रही है दिख रही है दिख रही है। पहले इससे अच्छा कहाँ पर है? ओके तो ये गया, अब मैं फटाफट भागता हूँ अपनी गाड़ी के पास, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा उसके बाद। मुझे वेपन्स तो मिल गए, ओके अब मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन मुझे ये ध्यान रखने। ओह शिट, उसके बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला था, उसके पास कुछ था। ओ मुझे लगा कि वो ग्रेनेड लॉन्चर है। ये इधर से गाड़ी आ रही है पुलिस की, ये ले। वहाँ पर ये दो ही पुलिस वाले, तो मुझे उनको साफ करना है सबसे पहले। मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते ये लोग। ओके अब मुझे सिर्फ पुलिस से पीछा छुड़ाना है। ओके ये मेरा दरवाज़ा टूटे ना तो अच्छा। ओके बच गया मैं, अब मुझे बस ओ वो लोग, ओ शिट, अबे तू जावे, मेरे को मारना आया था। अभी भी उनका हेलीकॉप्टर तो मेरे पीछे ही है, लेकिन मुझे छुड़ाना होगा। मैं इनसे भागू कैसे, हेलीकॉप्टर तो मेरा पीछा छोड़ेगा ही नहीं। मैं इनसे विजिबल कैसे हूँ इनको? ये वाईफाई का कुछ निशान जैसा आ रहा है, लेकिन ये हटाऊँ मैं कैसे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद से मैंने फ़ोन किया था इसलिए। अरे के तो ये लोग ढूंढ तो नहीं पा रहे मुझे, लेकिन मुझे बस अब थोड़ी देर और के लिए छुपना होगा। पीछे हेलीकॉप्टर भी पीछा कर रहा है मेरा, वो भी ढूंढ तो नहीं पा रहा। ओके तो उन लोगों ने मेरा पीछा छोड़ दिया है, और अब मैं सीधा निकल लेता हूँ अपने आर्केड के लिए, और ऐसा दूसरा एक मिशन भी करना है और हमें। ओह शिट, अरे 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 कोई बात नहीं, निकल लेता हूँ मैं यहाँ से सबसे पहले। तो ये फ़ोन को अंदर रखता हूँ,
अब 3 माइल्स और दूर जाना है, मतलब हमारा आर्किड जो है वो बहुत ही ज़्यादा दूर है, लेकिन फटाफट निकल जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम लिमिट है हमारे पास। होपफुली मैं टाइम लिमिट के अंदर मतलब उसके हिसाब से चल रहा हूँ, नहीं तो फिर दूसरा हम जो वेपन का बॉक्स है वो डिलीवर कर नहीं पाएंगे। फटाफट चलते सीधे अपने आर्किड पर। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर आर्किड के पास पहुँच चुका हूँ, बस 0.3 माइल्स और दूर जाना है, उसके बाद मैं अपने आर्किड के पास पहुँच जाऊँगा, जो कि मैंने अभी कवर भी कर लिए। ओके, तो ये वाले टर्न से मुझे राइट लेना है। अरे पीछे छूट गया, कोई बात नहीं, टू टर्न मार लेते हैं बस अब। ओके, तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर जाना है कहीं पर और फिर से दूसरे जो वेपन से वो ढूंढने हैं, तो फिलहाल मैं फटाफट वहाँ पर निकल देता हूँ कि टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन अगर वो पास हो, मतलब पास तो है, लेकिन अगर टाइम लिमिट ज़्यादा है तो अच्छा, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, सीधे चलते हैं वहाँ पर। गाइस, तो मैं यहाँ पर वापस से एक बार आ चुका हूँ और मुझे दूसरा जो वेपन्स का जो डब्बा है उसे भी ढूंढना है, लेकिन कहाँ पर है, गाड़ी में से ही ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो मिलेगा नहीं और मैं मर भी जाऊँगा। ये तू निकल, ओ ये रहा, आई गॉट यू, अबे जाने अभी, ये ले। ये ले, एक गया। ओके, तो ये एक गया, अपनी गन पिस्टल में बदल लेता हूँ, दूसरे को भी मारता हूँ। ये दूसरा गया, जिंदा ना हो तो अच्छा, मेन पार्ट पे मार दिया, कोई बात नहीं। ओ शिट, ये ले, एक गया और गया। ये खाया, ओके गाइस, तो मैंने जो दूसरा वेपन है वो भी ले लिया है और फटाफट निकलता हूँ मैं यहाँ से, टाइम ख़त्म हो उससे पहले। अरे ये हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से भी पीछा छुड़ाना पड़ेगा वापस से एक बार। अरे ये एक तो दिख नहीं रहा है, कुछ अंधेरे में, रात हो गई है। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर पहाड़ पर चढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि हेलीकॉप्टर उनके पीछा कर रहे हैं कि नहीं, मुझे मैप में तो दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं क्योंकि गाड़ियाँ उनकी आ नहीं सकती और हेलीकॉप्टर से तो पीछा ऑलरेडी छुड़ा लिया है, तो बस थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा, पुलिस चली जाए। ओके, तो पुलिस चली भी गई है, अब मुझे सीधा जाना है अपने आर्किड से पहले कि टाइम लिमिट आ जाए। टाइम लिमिट 5 मिनट की रहती है। ओके, तो सीधा निकल लेते हैं अपने आर्किड की तरफ इससे पहले कि टाइम लिमिट शुरू हो जाए। ओके, तो बच गए, नहीं तो अभी उस गाड़ी में मेरी गाड़ी लग जाती। ओ घूम 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 घूम, अरे कोई बात नहीं, सीधे चलते अब अपने आर्किड की तरफ। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पर अपने आर्केड पर पहुँच चुका हूँ दूसरे वेपन्स का पाइल लेके। यहाँ से राइट, अरे ओके गाइस, तो आज का जो हमारा हाई स्ट्रेप था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले यूट्यूब वीडियो में, तो के लिए गुड बाय।